हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर ईवीएम की खराबी को लेकर महबूबा मुफ्ती धरने पर बैठ गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि कई जगह पर ईवीएम खराब है और इसी मुद्दे को लेकर वो धरने पर बैठी हैं। ईवीएम में खराबी होने की शिकायत के साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि पीडीपी के पोलिंग एजेंट्स और नेताओं और कार्यकर्ताओं को थाने में बैठाया जा रहा है, यानी बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। ये गंभीर आरोप महबूबा मुफ्ती के, जिसको लेकर वो धरने पर बैठी हैं। अनंतनाग में उनका यह भी कहना है कि उनके लोगों को, यानी पीडीपी के लोगों को बंद किया गया है। महबूबा मुफ्ती ये पहले भी मुद्दा उठा चुकी है और अब एक बार फिर इसी मुद्दे को लेकर धरने पर बैठी हैं। इस पूरे मामले पर क्या कहना है पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का, सुनिए। महबूबा मुफ्ती, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस समय यहाँ अनंतनाग हाईवे पर जो है प्रदर्शन पर बैठी है, क्योंकि उनका आरोप है कि उनके जो वर्कर्स है वो यहाँ डिटेन किए गए हैं कई इलाकों में। उसके चलते आप देख सकते हैं महबूबा मुफ्ती हाईवे पर बैठी है और ये एलिगेशन है कि वर्कर्स जो है उन्हें हिरासत में लिया है, उसके चलते ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर उनसे बातचीत की जा रही है और वो वायलेशन नहीं है। मैं क्या सुनूं आपकी बात, आप वहीं से सब सीख के आई हैं। मुझे बताइए, दयालगा में हमारे लोग बंद, प्यालगा में हमारे लोग बंद, अशमुका में हमारे लोग बंद। सुन लीजिए मैम, रिक्वेस्ट सुन लीजिए, आप ही के वोटर्स, बहुत सारे वोटर्स जो जहां वोट डालना चाहेंगे वो डाल रहे हैं। ये कहां जाएंगे? नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है जो थाने में, नहीं ये कोड ऑफ कंडक्ट है इस टाइम जो मैम, आप तो पता नहीं क्या बोल रहे, वायलेशन कर रहे हैं। थाने में जो आप मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे भी अरेस्ट कर लो, मुझे भी बंद करो, और क्या करना चाहते हैं, और क्या करेंगे आप? वोटर हैं आप, अपना वोट, ये जो ये जो बंद है वोटर नहीं है मैम, आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो अंदर बंद है वो कहाँ वोट डालेंगे? जो थाने में बंद है वो कहाँ वोट डालेंगे? मैम रिक्वेस्ट है आप, जो दयालगा में बंद है, अनंतनाग में बंद है, अशोका में, आप सुन रही हैं? थोड़ा पीछे चलिए मैम, गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाएगी। देखिए महबूबा मुफ्ती से बात करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें कहा जा रहा है कि वो यहाँ से हटे। एक्सक्लूसिव आप टीवी 9 पांच पर तस्वीरें देख रहे हैं, जो मजिस्ट्रेट है, जिला मजिस्ट्रेट, वो बात कर रही है, महबूबा जी को समझाने की कोशिश कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी 9 पांच वर्ष पर देख रही हैं, महबूबा मुफ्ती यहां पर बैठी है और काफी यहां पर जो है सुरक्षा बलों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि महबूबा मुफ्ती को जो है यहां से हटाए। ये तस्वीरें हैं टीवी 9 बात वर्ष पर एक्सक्लूसिव, आपने देखा कि किस तरह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके जो वर्कर्स हैं उन्हें हिरासत में लिया है। तो देखिए इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता, जो कि महबूबा मुफ्ती से बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और ये महबूबा मुफ्ती की जो बेटी हैं वो भी अपनी शिकायत को, ऐसा लग रहा है, सामने रख रही हैं, बहुत गुस्से में नजर आ रही है महबूबा मुफ्ती, धरने पर बैठी हुई हैं। शिकायत की गई है कि उनके तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, अब डिमांड क्या है महबूबा मुफ्ती, क्योंकि हमने देखा तमाम प्रशासनिक अधिकारी महबूबा मुफ्ती को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अपने आरोपों पर पूरी तरह से कायम नजर आ रही हैं। डिमांड क्या कर रही हैं, अभी भी धरना जारी है क्या? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर टीवी 9 ने हालांकि खुद महबूबा मुफ्ती से बात की, जब वो मजिस्ट्रेट से बात करी थी तो उनका आरोप ये है कि जो कारकुनान हैं उनके पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्हें अलग अलग जगहों पर हिरासत में लिया गया, उसके चलते वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन पर बैठी हैं। इस तरफ आपको तस्वीरें दिखाएं, ये बिल्कुल सामने ये तमाम जो लोग जमा हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग, वो महबूबा मुफ्ती को लगातार उनके साथ बातचीत कर रहे हैं लेकिन फिलहाल बात बनती हुई नहीं दिख रही है। वो आरोप उन्होंने लगाया और टीवी 9 बात वर्ष ने जब पूछा महबूबा मुफ्ती से कि आखिर यहाँ पर बैठकर वो क्या मैसेज देना चाहती है, तो वो ये कह रही है कि
वो ये दिखाना चाहती है कि किस तरह हमारे खिलाफ रणनीतियाँ की जा रही हैं, और जितने भी उनके वर्कर्स हैं ठीक पोलिंग से पहले एक रात उन्हें हिरासत में लिया है। तो काफ़ी हलचल अनंतनाग राजौरी सीट पर देखने को मिल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, यहाँ पर तमाम दावेदारियाँ जो है वो मजबूत। इरफान इस बीच क्या कह रही है महबूबा मुफ्ती की बेटी, वो भी सुनने की कोशिश करते हैं। लोगों को बताएंगे कि उनके लिए उनका वोट में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर वोट काउंट एंड देयर वॉइस मैटर, ना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए, उसका मत बहुत अहमियत रखता है, ये कहती हुई महबूबा मुफ्ती की बेटी। क्योंकि यही आरोप लगाया जा रहा है पीडीपी द्वारा, महबूबा मुफ्ती द्वारा, कि खराबी आ रही है ईवीएम में। उनका आरोप ये कि रोकने की कोशिश हो रही है मतदान करने से, गंभीर आरोप लगाकर मतदान करने से रोकने के आरोप लगाकर धरने पर बैठी हैं महबूबा मुफ्ती।